पेरेंटहुड की एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है किड्स को ऑर्गेनाइज रखना। और आज की डेट में जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं तो और भी इम्पॉर्टेंट है कि किड्स को वो ट्रेनिंग देना। आज का मेरा वीडियो इसी के ऊपर है। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है, वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू यू मेक योर किड्स रूम मोर ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप अपने किड्स रूम को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो और किड्स जो आपके बच्चे हैं उनको कि बेसिक नेचुरल तरीका कैसे बता सकते हो जो उनके सबकॉन्शियस में चला जाए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने का। आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर देना, उससे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहली ट्रिक, आप अपने बच्चों को या अपने कमरे को कभी भी मतलब जबरदस्ती साफ नहीं रख सकते। वो बच्चे हैं, उन्होंने गंदा तो करना ही है। अगर आप ये सोचो, बहुत लकी हो आप कि अगर आपका बेटा या बेटी या आपके किड्स उस रूम को गंदा नहीं करते। नहीं, सब करेंगे, सबके बच्चे करते हैं, मेरे बच्चे हैं वो भी करते हैं, किसी और के हैं वो भी करेंगे, तो हमेशा गंदा होगा। तो ये तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि अपना एज अ पेरेंट ये दिमाग से निकालना है कि यार मेरा कमरा जो है बहुत साफ रहेगा या मेरा किड्स रूम बहुत ज़्यादा साफ रहना चाहिए। आप रख सकते हो पर स्ट्रेस बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उनको नेचुरली ऐसा ट्रेन करो कि अपना जो भी कमरा अपने टॉयज को खुद ही ऑर्गेनाइज रखें। तो मेरी पहली जो इसमें टिप यही है कि आप अपने कमरे को या जो भी बच्चों का कमरा है उसको मान के चलो कि वो डंपिंग ग्राउंड है। अगर वो डंपिंग ग्राउंड है तो उसके अंदर ये सोच के चलो फैलेगा भी। अब ये हमें सोचना है कि उसको संभालना कैसे है, क्या उनको ऐसे एलिमेंट दें जिससे वो अपने टॉयज अपने आप वापस उठा के रख दें। तो आपको इस वीडियो में वो सारे टिप्स मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। और ऑल्सो मैंने इस वीडियो में ना अमेजन के कुछ लिंक्स भी डाले हैं कि जिससे आप वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एलिमेंट्स खरीद लो। आप वो खरीद के धीरे धीरे अपने कमरे को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और बच्चों को आदत भी पड़ जाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पर बच्चों के रूम के लिए, उतने ही टॉयज रखो जो एक्चुअली में आपका बच्चा खेलता है। ज़बरदस्ती के आपको 100, 200, 500 टॉयज अपने कमरे में नहीं रखने हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे एज आगे बढ़ती है तो वो पुराने टॉयज को खेलना बंद कर देते हैं। ये मैंने बहुत कम देखा है कि जो 3 साल के वक्त बच्चा टॉय को खेलता था वो आज 8 साल या 10 साल के टाइम पे भी खेलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एडिट योर टॉयज, मतलब जो नहीं चाहिए उन्हें हटा दो, उन्हें किसी को दान दे दो। अपने घर में मेड्स हैं और कुछ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको दे दो। आपकी कैपेसिटी है नए टॉयज खरीदने की, खरीद लो, उन लोगों को पुराने टॉयज दे दो। एक तो आपके घर का सामान भी निकल जाएगा और दूसरा वो लोग भी बड़ा खुश होंगे और दुआएं देंगे, तो क्लीन हो जाएगा आपका बच्चे का कमरा। जो सिर्फ उसका रिलेवेंट एज का टॉय है वही रखो, बाकी सारे टॉयज को हटा दो। सो माय थर्ड एलिमेंट इज लिमिट योर टॉयज, आई मीन टू से टाइप, कि टॉय का टाइप। अगर आपके पास मान लो एक राइटिंग बोर्ड है तो उसके 3 बोर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कैरम है तो वो एक हो सकता है। अगर आपके पास कोई और टॉय का टाइप है, फॉर एग्जांपल क्ले है, तो जरूरी थोड़ी है कि 10 क्ले के मॉडल्स आपको रखने हैं, एक ही रख लो, उससे खेलेगा। अगर आपके पास पेंट ब्रशेज हैं, आपके पास पेंट कलर्स हैं, तो जरूरी थोड़ी है 15, 20, 25, 50 रखने हैं, 3, 4, 5 भी तो रख सकते हैं। अगर आपके पास कार्स हैं, आई एम वेरी श्योर ये बहुत ही मतलब दिल का जुड़ा हुआ टॉपिक है, रोज मैं अपने घर में फेस करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों को खूब सारी कार्स पसंद हैं, वो जब कहीं जाते हैं तो नई कार ले आते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि 50 कार्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई 10, 15, 20 कार्स रख लो, बाकी की कार्स को हटा दो या किसी को दे दो। तो आप अपने टॉयज की जो लिमिट है ना, जो टाइप है, उसको भी लिमिट कर सकते हो कि जरूरी नहीं है एक तरीके की चीज़ें बहुत सारी हों। वो खेलना अल्टीमेटली उसको एक रोबोट से है या उसको एक रेसिंग कार से है या मे बी 2 या 5 हॉट व्हील से है, बाकी सब चीज़ें आप हटा सकते हो। माय फोर्थ एलिमेंट इज, अगर आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं जो कि आई एम श्योर हैं, तो आप ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बुक शेल्फ, एक रैक या फिर बने बनाए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, आप वो ले आओ। और ये इंश्योर करना कि बच्चे की हाइट तक वो डाल पाओ। हम करते क्या, हम एडल्ट्स की तरह उसको बड़े बड़े बुकशेल्फ बना देते हैं, ऊपर रखने की कैपेसिटी बना देते हैं। अरे बाबा, जब वो बच्चा उतने हाइट पे डाल ही नहीं पाएगा टॉय को तो डेफिनेटली नीचे फैला रहेगा। अगर आप उसको शुरू से आदत डालोगे कि बेटा जो टॉय निकालना है उसको वापस उस बॉक्स में रखना है, तो वो वैसी उसकी आदत बन जाएगी। ऑब्वियसली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब खुद संगवाने का टाइम है खुद मत संगवाओ, उसको बोलो कि ये निकाल के अपने बॉक्स में डालें, ये निकाल के अपने बॉक्स में डालें। अगर आप ये करोगे तो आपकी स्पेस हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी,
तो या तो बुकशेल्फ बना लो या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट्स रैकेट्स वो सब ले आओ और उसके अंदर सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर लो। So, आजकल ना ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो अगर आप अमेजोन पे जाओगे, मैंने लिंक्स भी डाले हैं यहाँ पर, तो आप ना एक बड़ा सा आई मीन एलिमेंट स्पेस कोई भी एक वॉल को आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर 2, 3, 4, 5 डब्बे, 1, 2, 3, 4 डब्बे, 1, 2, 3, 4 डब्बे, तो एक जगह की जगह 3 लेयर्स आप बना सकते हो उसको डाल के, जिसमें कुछ 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 सामान आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सारी कार्स हैं तो उसको अलग अलग फैलाने की जगह एक बॉक्स में डाल दो। आपके पास क्लेज हैं, अलग अलग रखने की जगह एक बॉक्स में डाल दो। ऐसे ही कोई और कार्ड्स हैं जो कि बच्चे कार्ड्स के साथ प्ले करते हैं, लेगो है, सो लेगो को अलग 50 डब्बों में रखने की जरूरत नहीं है। आप उनके अंदर अगर प्लास्टिक के आपके पास रैपर्स हैं तो, और बहुत सारे ज़िपलॉक्स भी मिल जाते हैं, तो ज़िपलॉक्स में अपने लेगो को डाल दो, उसका डब्बा हटा दो, डब्बा ज़्यादा स्पेस लेगा और ज़बरदस्ती को फैलाएगा। इससे अच्छा है कि आप ज़िपलॉक में डालो और उसको एक बॉक्स में डाल दो। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लोगे उन चीज़ों को तो आपका किड्स रूम हमेशा क्लीन एंड मज़ेदार रहेगा। और ये सब बच्चे से कराना है, खुद जितना काम हो सके उतना करना है और ज़्यादातर उसको आदत डालनी है नेचुरली जो चीज़ निकाल रहा है उसको वापस रखने के लिए। सो क्रिएटिंग कॉर्नर्स, आई एम श्योर कि कई बार रूम्स उतने बड़े नहीं होते, आप बोलोगे शिवांग मुझे बेड भी रखना है, अलमीरा भी रखनी है, स्टडी टेबल भी रखनी है, कुछ और स्पेस भी चाहिए रूम में, अब मैं कॉर्नर्स कैसे बनाऊं? तो आप जो यूनिट्स बना रहे हो ना उसी को इस तरीके से डिज़ाइन कर लो कि वो कॉर्नर्स का काम करें, मे बी उसको क्राफ्ट को बनाने का काम करें। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग करने के लिए वो स्टडी टेबल पर भी हो सकती है, किसने कहा कि वो बेड पर करो, हो सकता है एक कॉर्नर में स्पेस बन जाए। अगर आपकी अलमीरा है उसके साथ की स्पेस ऑर्गेनाइज स्पेस भी तो हो सकती है, मे बी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़े तो आपको जो सब जगह टॉयज फैले हुए हैं वो एक जगह भी तो आ सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्राफ्ट कॉर्नर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में, अपने बच्चे के कमरे में, और उसको स्क्रैच करना है तो अलग करें, उसको पेंट करना है तो अलग जगह करें, उसको मे बी चॉकबोर्ड के साथ प्ले करना है तो अलग जगह करें, इवन वॉल्स को, अगर आपके पास स्पेस है आप अपनी वॉल्स को भी यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। तो आप उसे क्राफ्ट वॉल की तरह या स्क्रैच वॉल की तरह या मे बी चॉक वॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। लोग बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन कराते हैं अपने किड्स बेडरूम के लिए, थोड़ा सा थॉट आपको सही देना है और आपका बेडरूम भी मस्त लगेगा और ऑर्गेनाइज भी दिखता रहेगा। फिर नेक्स्ट टिप है यहाँ पर हैंगिंग स्पेसेस। तो हम कई बार सोचते हैं कि नीचे ही सब कुछ रख दें, जरूरत नहीं है। जो आपका बच्चा वो टॉय यूज़ नहीं करता है या जो मे बी 6 महीने में एक बार यूज़ होता है, या तो उसे अलमीरा के टॉप पे रख दीजिए, स्टडी टेबल के टॉप पे रख लीजिए या फिर हैंगिंग स्पेस बना लीजिए। हो सकता है कि डोर के बैक पे कोई लटकाने की जगह मिल जाए, आप उसमें उसके शूज़, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल सकते हो, या फिर स्टडी टेबल के ऊपर कुछ जगह मिल जाए तो वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आई एम श्योर आप एक एक इंच बाय इंच यूज़ करना चाहते हो तो आप उस स्पेस को वैसे यूज़ कर सकते हो, बट आपको क्या सोचना है कि हैंगिंग में मुझे वही चीज़ें रखनी है जो कि मतलब नीचे यूज़ ना हो रही हो, वो अलग से पाक हो जाएं। वन ऑफ अ सीक्रेट स्पेस जो मुझे लगती है बहुत ही सीक्रेट स्पेस है, स्टडी टेबल के नीचे और बेड के अंदर। तो अगर आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा सारा सामान है और आपको लगता है कि यार वो वहाँ यूज़ किया जा सकता है या वहाँ रखा जा सकता है, पाक किया जा सकता है रादर देन पूरे कमरे में फैला रहे, तो मैं बोलूँगा या तो बेड में डाल दो, जो एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं वो बेड में डाल दो। ज़रूरी नहीं है उसमें आपको अपने कंबल रजाई गद्दे रखने हैं, आप अपने कमरे में रखो, बच्चों के कमरे में बच्चों का ही सामान रहने दो। अगर आपको स्टडी टेबल के नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो वहाँ डाल दो, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाएगी सामान रखने के लिए। सिमिलरली बेड के अंदर भी आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ बना लो, कुछ एक्स्ट्रा सामान वहाँ रख दो, तो आपका रूम खाली भी हो जाएगा और बच्चे के हाथों से दूर भी हो जाएगा, तो आपको जब यूज़ करना हो तब सामान निकालना, नहीं तो उसको उसी में रहने देना। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जो टॉयज़ वो यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो अपने सेकेंड किड के लिए सेव करके रखना चाहते हैं तो वो अपने बेड के अंदर डाल देते हैं या एक स्टोर में डाल देते हैं, वो बच्चे की रेगुलर हैबिट से या हैंड से दूर रहता है तो ऑर्गेनाइज भी रहता है और सही भी लगता है। अगर आपके पास स्पेस है और आप बंक बेड बना सकते हैं या बंक बेड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बंक बेड भी बना सकते हैं, क्योंकि जो नीचे की स्पेस है और जो ऊपर की स्पेस है वो डुअल पार्ट में यूज़ हो जाएगी। अगर आपका बच्चा 4, 5, 6, 7, 8 साल तक, 10 साल तक भी है तो बंक बेड कामयाब है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, नीचे की स्पेस को आप क्लीन रख दोगे, ऊपर वाली स्पेस के अंदर एलिमेंट डाल दोगे, दैट मीन्स नीचे से जगह फिक्स है
वर्टिकली आपको थोड़ी जगह और मिल जाएगी सामान रखने के लिए। पर अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी पास कितने बच्चे हैं और आपकी में कितनी कैपेसिटी है पे करने की। अगर आपके पास अच्छी खासी है तो कर लो, नहीं है तो मे बी सिंगल बेड बना लो, ऊपर कुछ जैसे मैं ऑर्गेनाइजर्स की अभी चीज़ें बता रहा हूँ वो यूज़ कर लो, डायरेक्टली वॉल पे टांग सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटो लेबल्स। तो हमारे यहाँ भी मेरी वाइफ ने किया है, उसने क्या किया, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो ए बी सी डी ई एफ सिखा रहे थे उसे, 1 2 3 4 5 6 सिखा रहे थे, तो रैदर देन प्ले कार्ड्स उसने ना वो सब कुछ अलमीरा के ऊपर टांग दिया, उसने दीवार पे टांग दिया, तो जो नीचे स्पेस यूज़ होती वो भी यूज़ नहीं हुई। तो जब जब उसको चाहिए था यूज़ करने के लिए उसने अलमीरा से निकाला, डबल टेप से चिपका हुआ है, और उसको वापस लगा दिया। तो जब यूज़ किया यूज़ कर लिया, नहीं तो वापस चला गया। तो आपका वॉल भी डेकोरेट हो गया, आपके अलमीराज भी डेकोरेट हो गई और नीचे की स्पेस भी ख़राब नहीं हुई। तो इसी तरीके से फोटो लेबल्स, अगर आपको उन्हें कुछ चीज़ ट्रेन करनी है, मे बी वर्ल्ड मैप के बारे में ट्रेन करना है, आपको उन्हें मे बी कार्स के बारे में ट्रेन करना है, मे बी किसी और एलिमेंट के बारे में ट्रेन करना है, रैदर देन बाइंग कार्ड्स आप उसके स्टिकर्स भी ले सकते हो। आप अपनी वॉल्स पे, अपने अलमीराज पे, या मे बी स्टडी टेबल के टॉप पे, या मे बी स्टडी टेबल के बैक पे, कहीं पर भी लगा सकते हो, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ दोज एलिमेंट्स, उनको पता हो कि ये एलिमेंट्स क्या हैं और वो उन एलिमेंट्स को देख देख के सीख पाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा एक टीनेजर है तो आई एम वेरी श्योर आप उसको वो हैबिट्स इनकलकेट करना चाहते हो कि जो आपने कभी करी होंगी, मे बी रीडिंग बुक्स हो, मे बी कॉफ़ी स्पेस हो, मे बी बे विंडो हो, या मे बी हैंगिंग लाइट हो। तो आपने कि ऐसा छोटा सा कॉर्नर, मे बी थोड़ी सी स्टोरेज देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हट जाती है हटा दो वो स्पेस, उसकी रीडिंग गैलरी, उसकी रीडिंग लाइब्रेरी, उसकी बुक गैलरी, उसका टॉय स्टोरेज, उसका हैंगिंग लाइट, या उसका एक बैठने का स्पेस बना सकते हो। आई एम वेरी श्योर आप उसे अभी रियलाइज नहीं करोगे, जब वो 1 साल 2 साल 3 साल उसे यूज़ करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपना टाइम स्पेंड करना है अपने बच्चे के साथ, आप वहीं बैठ के उसके साथ बात कर सकते हो, और ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड है। यू नो 32% पीपल, पेरेंट्स एंड किड्स आर मोर हैप्पियर व्हेन देयर पेरेंट्स स्पेंड देयर टाइम इन देयर रूम। मतलब अगर आप चिल्ड्रन रूम में जाके उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू विल बी 32% मोर हैप्पियर। ये चांसेस हैं और ये ग्लोबल स्टडी है, तो लोगों ने करी है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप ये कर पाते हो तो और भी मज़ेदार है। तो आई एम श्योर जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी किड्स रूम को ऑर्गेनाइज करने की और अपने बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग करने की आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है तो क्लिक द लाइक एंड Also comment. I want to hear your story with your kid, कि आपने उसके साथ कैसे time spend किया।